हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं गीता डिप्लोमा कोर्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया, रजिस्टर किया और ज्वाइन किया। हम बहुत एक्साइटेड हैं आप सभी के साथ इस जर्नी में, इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगा जो आपको इस कोर्स में बहुत हेल्प करेंगी। आपने रजिस्टर तो किया है, इंटरेस्ट दिखाया है कि आप ऑलमोस्ट 19 सेशंस का ये कोर्स हमारे साथ करेंगे, तो इसको करने में लगभग 2.5 महीना लग जाएगा। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप धैर्य को बनाए रखिएगा, हर सेशन अटेंड कीजिएगा, हर क्विज को सॉल्व कीजिएगा, उससे आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। ऑफ कोर्स हरे कृष्णा टीवी आपके लिए कोर्स फ्री में कर रहा है, परंतु ये कोर्स एक स्टैंडर्ड कोर्स है। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सेशंस अटेंटिवली सुनने होंगे, क्विज भी अच्छे से करना होगा, तब आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं आपको इनक्रेज करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप समय निकालिए, इस कोर्स को रेगुलरली अटेंड कीजिए। शुरुआत करते हैं हम एक प्रार्थना से। आप हमारे साथ इसको चैंट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ गाइडलाइंस जैसे कि आप पूरा बेनिफिट उठा सकें, आप प्लीज़ नोट्स बनाइए, ध्यान से सुनिए। कुछ बात समझ में नहीं आए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, तो स्ट्रेस मत लीजिए, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा स्पेशल सेशन भी रहेगा क्वेश्चन आंसर का। आपको जो भी प्रश्न हो आप अंत तक के लिए अपने पास नोट डाउन करके रखिए। इस सेशन के अंत में हम कुछ मिनट आपके क्वेश्चंस लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सेशन के दौरान मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आपको हमारे साथ इंटरेक्ट करना है, चैट बॉक्स पर उसके आंसर भेजने हैं। शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो आपका अंडरस्टैंडिंग और आपको जो इस पे आनंद मिलेगा करने में वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका विषय है गीता एक प्रेम पत्र। ये गीता किस प्रकार एक प्रेम पत्र है वो हम जानेंगे। मेरा आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस प्रकार है, क्या गीता एक धार्मिक ग्रंथ है या एक आध्यात्मिक ग्रंथ है? बहुत सरल उत्तर रहेगा इसका, टाइप करके भेजिए। भगवद गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? रिलीजियस या स्पिरिचुअल, धार्मिक या आध्यात्मिक? देखते हैं आप किस प्रकार गीता को समझते हैं, किस प्रकार गीता को देखते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। स्पिरिचुअल, वेरी गुड। बहुत लोग उत्तर दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं स्पिरिचुअल, कुछ कह रहे हैं बोथ। तो सही कहा आपने, मुख्य रूप से गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्पिरिचुअल बुक है। तो इस भगवद गीता के बारे में एक वैज्ञानिक रहे हैं, एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रहे हैं, वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, रॉबर्ट ज़ेनर। वो कहते हैं कि भगवद गीता उसकी विशेषता क्या है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा फिर हिंदी में भी बताऊँगा। ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द हिंदूज द भगवद गीता इज द मोस्ट वाइडली रेड एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। वो कहते हैं हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों में से भगवद गीता सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली और शायद पूर्वी रहस्यवाद की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये सच बात है। ऐसे तो अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में भगवद गीता के ऊपर में सबसे अधिक लोगों ने टिप्पणियाँ दी हैं, टीका लिखी है, उसको समझने की कोशिश की है।
मानव इतिहास में लाखों करोड़ों लोगों ने पहले गीता को पढ़ा है, वर्तमान में पढ़ रहे हैं और भविष्य में भी पढ़ेंगे। तो भगवद गीता है क्या? दो शब्दों से ये नाम बना है, भगवद गीता। भगवत अर्थात जो भगवान से आया, गीता अर्थात गीत। तो भगवद गीता एक दार्शनिक गीत है, बहुत मधुर है, लेकिन दार्शनिक होने के कारण, फिलोसॉफिकल होने के कारण बहुत लोगों को कठिन लगती है, बहुत बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती। तो इस कोर्स में हम इस बहुत ही सुंदर ग्रंथ को, विजडम बुक को आपके लिए बहुत सरल करने वाले हैं, जिससे कि आप इसको समझ सको। इस सेशन में हम 5 मेन विषय को देखेंगे। सबसे पहले, कौन गीता पढ़ता है? दूसरा, गीता का उद्देश्य क्या है? तीसरा, हमारे लिए गीता पर्सनली इम्पॉर्टेंट क्यों है? चौथा, कुछ फैक्ट्स गीता के बारे में। और 5वां, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कि पूरे गीता के जो 18 अध्याय हैं उसको हम 5 से 10 मिनट में कैसे जाने, एक अध्याय दूसरे अध्याय से कैसे जुड़ा है, ये हमारे पूरे कोर्स में काम आएगा। तो आज हम आपको एक ओवरव्यू, ऊपर से दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। बेसिकली आज के सेशन का पर्पस है गीता की इम्पोर्टेंस को समझना, उसको अप्रिशिएट कर पाना, अपने आप को आने वाले चैप्टर्स के लिए तैयार करना, और इन चैप्टर्स में हम क्या सीखने वाले हैं उसका ओवरव्यू समझना। तो पहला, जैसे मैंने कहा, गीता कौन पढ़ता है? वर्तमान के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, उनमें से कुछ नाम मैं स्क्रीन पे आपके सामने ला रहा हूँ। पहले व्यक्ति हैं टॉप लेफ्ट में, बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत फेमस हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लोग काउंसिल करते हैं, और वो गीता के स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, वो भी गीता फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तुलसी गबार्ड, अमेरिकन पॉलिटिशियन, गीता में पूरा विश्वास है उनका। डॉक्टर टीडी सिंह, एक साइंटिस्ट जिन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता का समन्वय करके पूरे विश्व में इस बात को फैलाया, इसका प्रचार किया। गौर गोपाल दास, इनको कौन नहीं जानता, लाइफ कोच। माइकल क्रीमो, एक रिसर्च ऑथर, साइंटिस्ट। ये लोग चाहे भारत से हो, विदेश से हो, संस्कृत जानते हो नहीं जानते हो, वर्तमान के समय में बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। मैंने तो कुछ ही नाम लिए, ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन ये सब गीता को फॉलो करते हैं। फिर देखते हैं कुछ लोग जो आज से 100-200 वर्ष पहले के समय में थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि हेनरी डेविड थोरो, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया, एनी बेसेंट, हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी, इमर्सन, जॉर्ज हैरिसन, फेमस बीटल्स के लीड सिंगर, ये सब भी गीता को अपना समझते थे, उसमें रुचि रखते थे। इनफैक्ट गांधी जी तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं गीता के बारे में, हिंदी में आपको बताना चाहेंगे। जब संदेह मुझे सताता है, जब निराशा मेरे चेहरे पर घूरती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है, तो मैं भगवद गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ, और मैं अत्यधिक दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। कितनी सुंदर बात है। गांधी जी कहते हैं कि जब उनके जीवन में संघर्ष का समय आता था, उन्हें आशा की कोई किरण नहीं दिखती थी, वो एक प्रकार से लॉस्ट हो जाते थे, तो वो गीता का सहारा लेते थे और गीता उन्हें रोशनी प्रदान कर पाती थी। गांधी जी इतने महान व्यक्ति हैं, पूरा संसार उन्हें जानता है, और उनके डिटर्मिनेशन को, उनकी निष्ठा को, उनके अच्छे कार्य करने का जो संकल्प था उसको अप्रिशिएट करता है। वो कहते हैं कि गीता उन्हें भी सहायता देती है। अब हम आज से 500-800 हज़ार वर्ष पहले चलते हैं। भारत एक पुण्य भूमि है, आप सब जानते हो, यहाँ पर बहुत पुण्य आत्माओं का, महान ऋषियों का, संतों का, गुरुजनों का जन्म हुआ है। तीन में से 4 हमने स्क्रीन में आपके सामने रखे हैं, ये सभी गीता का प्रचार किए, गीता को स्वीकार किए। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इनके नाम हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन मार्क अभी जिनके ऊपर है, जिनके नीचे है, कृपया उनका नाम यदि आपको पता हो तो बताने का प्रयास कीजिए कि ये किनका नाम, कौन है ये व्यक्तित्व। आज से बहुत समय पहले इनका जन्म हुआ और आप इनके पिक्चर से इन्हें पहचान सकते हैं। तो लेट्स सी क्या उत्तर आता है आपका, हम प्रतीक्षा करते हैं आपके उत्तर के लिए। आप उनके तिलक से, उनकी वेशभूषा से जान सकते हो, ये जगत गुरु हैं, जो इनकी शिक्षा रही है वो विश्वविख्यात है,
और बहुत सारे गुरुजन इनको अपना गुरु मानते हैं, गाइड मानते हैं। इतने सारे रिप्लाइज आ रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई कितनी देर में हमको प्राप्त होगा। वेट करते हैं आपके इस रिप्लाई का। ओके, बहुत समय लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें आपको आंसर बता देना चाहिए। तो पहले जो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। फिर दूसरे का भी नाम मैं ही आपको बता देता हूँ कि आपके रिप्लाई का हम प्रतीक्षा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। दूसरे व्यक्ति का नाम है श्री रामानुजाचार्य, तीसरे का नाम है श्री मध्वाचार्य और चौथे का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। और इन सभी महान व्यक्तित्वों ने, जगत गुरुओं ने गीता को स्वीकार किया और इसका प्रचार भी किया। तो हमने क्या देखा कि हर समय हर प्रकार के लोगों ने गीता को स्वीकार किया है, उसको इम्पॉर्टेंट माना है, उसको महत्व दिया है और उसका लाभ उठाया है। गंगा स्नान आशा करते हैं आपने कभी ना कभी जीवन में किया होगा। गंगा एक बहुत पवित्र नदी है, लाखों लोग प्रतिदिन इसमें स्नान करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, हरिद्वार में, अलाहाबाद में, बंगाल की खाड़ी के पास। तो लोग गंगा स्नान क्यों करते हैं? प्रश्न सरल है, आप इसका उत्तर हमें बाद में दे सकते हैं। ऑफकोर्स जो लाइव देख रहे होंगे, प्रश्न के बाद में समय मिलेगा उत्तर देने का, तो मैं प्रश्न रख देता हूं आपके सामने। व्यक्ति गंगा स्नान क्यों करता है? गंगा स्नान करने के अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। कोई सोच सकता है कि हमने बहुत दिन से पिकनिक नहीं बनाई, चलो कोई धार्मिक स्थल पर चलते हैं पिकनिक बनाने के लिए। आध्यात्मिक रूप से कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। और कुछ लोग इस भावना से भी जाते हैं, गंगा पवित्र नदी है, स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे या फिर हमारे पाप का नाश हो जाएगा। तो अलग अलग कारण होते हैं गंगा स्नान करने के। इन मूल कारण जो हमें शास्त्रों से पता चलता है वो ये है कि व्यक्ति गंगा में जब स्नान करता है, उसका शरीर, उसका मन, उसकी चेतना, उसका पूरा संपूर्ण जीवन एक प्रकार से शुद्ध हो जाता है। इसको हम फील कर सकते हैं, जब हम गंगा में प्रवेश करते हैं तो जो फ्रेशनेस, ताजगी आती है, उसका अनुभव साक्षात रूप से किया जा सकता है। वैज्ञानिक गण भी इस बात को मानते हैं कि गंगा का पानी इतना पवित्र है कि इसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ता, वो पुराना नहीं होता। इस चीज का अनुभव तो हर व्यक्ति ने भारत में किया होगा। तो गंगा स्नान क्यों किया, हम ये समझे। लेकिन अब गीता और गंगा का क्या कनेक्शन है उसको जानते हैं। आदि शंकराचार्य गीता महात्म्य में वो ग्रंथ जिसमें गीता के इम्पोर्टेंस को, ग्लोरी को बताया गया है, ये सुंदर श्लोक कहते हैं, पांचवा श्लोक। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं भारत अमृत, यहाँ महाभारत को भारत कहा गया क्योंकि गीता महाभारत का एक भाग है। तो भारत अमृत सर्वस्वम, गीता महाभारत का अमृत है, जो कहां से आया है, विष्णु वक्त्राद् विनिसृतम, वो भगवान विष्णु के मुख कमल से निकला है। हाँ, और वो गीता गंगा के समान है, गीता गंगोदकम पीत्वा, कोई अगर उसे पी लेगा तो पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये आदि शंकराचार्य गीता के अनेक महात्म्य में से एक महात्म्य देते हैं। आगे हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा गीता के महात्म्य को जानने का प्रयास करेंगे, माता पार्वती, शिव जी की जो अर्धांगिनी है। वो शिव जी से रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है, वो कहती है मेरे प्रिय स्वामी, आप सभी दिव्य तत्वों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा सुनी है। हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हूँ जो भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई थी। ऐसा पार्वती जी कृष्ण शिव जी से पूछ रही है। ये पद्म पुराण, जो कि 18 सबसे इंपॉर्टेंट पुराण होते हैं उनमें से एक है, उसमें आता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने महान लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले तो छोड़िए, जो देवता कैटेगरी में आते हैं वो भी गीता में रुचि रखते हैं, वो भी गीता को इंपॉर्टेंस देते हैं। जस्ट इमेजिन, तो गीता
कितनी इम्पॉर्टेंट बुक है। और फिर शिव जी पार्वती का उत्तर देते हुए क्या करते हैं, गीता महात्म्य वर्णन करते हैं, जिसमें हर चैप्टर का वो महात्म्य सुनाते हैं, एक कहानी देते हैं प्रत्येक चैप्टर के ग्लोरी को बताने के लिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है, मैंने पढ़ा था, छोटा सा है, आप भी कभी उसे प्राप्त करके पढ़िएगा, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो हमने क्या शिक्षा ली इन सब चीज़ों को देखकर, हमने क्या जाना, ये शिक्षा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सुंदर शिक्षाएं हम आपको देते रहेंगे इस कोर्स में। कृष्ण महान है, सही बात है, अर्जुन महान है, ये भी बिल्कुल सत्य है, गीता का उपदेश महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है। तो फिर क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, भगवद गीता हमारे जीवन को महान बना सकती है, ऑर्डिनरी लाइफ को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, ये गीता की पोटेंसी है, उसकी क्षमता है। तो ये पहला विषय आज का कवर हुआ कि गीता को कौन पढ़ता है, उसका उनके अनुसार महात्म्य क्या है। अब दूसरा कि गीता का पर्पस क्या है। मार्केट में गीता अलग अलग रूपों में अवेलेबल है, अलग अलग नामों से अवेलेबल है, अलग अलग लेखकों ने गीता के ऊपर में टीका टिप्पणी लिखी है। एट प्रेजेंट 2000 से 2500 या उससे भी अधिक एडिशंस हैं, जहाँ पर लोगों ने गीता अपने अनुसार समझाया है, अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया, स्टडी किया, एनालाइज किया और अपना मत, अपनी समझ, जो उन्होंने सीखा, जो उनकी सूझबूझ के अनुसार उनके समझ में आया वो उन्होंने दिया। सब कोई कुछ अनूठा प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ लोग गीता से मैनेजमेंट सिखाते हैं, कुछ लोग गीता से बिजनेस सिखाते हैं, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़, कुछ रिलेशनशिप सूत्रास, कुछ जीवन की शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इतने सारे जो गीता के एडिशंस हैं उसमें जो गीता का पर्पस दिया गया है, क्या वो गीता का पर्पस है? क्या भगवान कृष्णा ने गीता को अलग अलग उद्देश्य के लिए कहा था, या भगवान कृष्ण गीता का एक सेंट्रल मैसेज देना चाहते थे जो अर्जुन ने दिया था? क्या कृष्ण सिखाना चाहते थे गीता के थ्रू? वो एक चीज है या अनेक है, वो हम आपको डिसाइड करने के लिए छोड़ते हैं, जो आप हमें सेशन के एंड में बता सकते हो कि गीता हमें क्या एक मुख्य विषय सिखाती है या गीता हमें कुछ भी सिखाती है, जो हम चाहे वो सीख सकते हैं, हाँ जैसा हम चाहे वैसा सीख सकते हैं, या फिर हमें वैसा ही सीखना चाहिए जैसा कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, जो कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। तो वो क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन मार्क है जो आपको इसका उत्तर अंत तक मिल जाएगा। मैं ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये मिस्टर रॉबर्ट एन माइनर हैं, गीता के एक्सपर्ट हैं, ऑफकोर्स ये हिंदू रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, ये अनबायस्ड स्कॉलर हैं जिन्होंने गीता को और गीता के अन्य एडिशंस को पढ़ा है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने सभी एडिशंस को कंपेयर किया कि कौन सी एडिशन कितनी अच्छी है, इसमें किसमें क्या कमी है और कौन सी गीता किसी दूसरी गीता से बेहतर है। तो ये इनका एक अनबायस्ड कंक्लूजन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कहते हैं कि भगवद्गीता यथारूप जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने दी है, वो कहते हैं प्रभुपाद जी की गीता मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। मतलब ये गीता वास्तविकता में गीता का जो संदेश है वो सबसे क्लियर रूप में देती है। ये व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए तो इनका प्रभुपाद जी से कोई लेना देना नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो गीता यथारूप दी है वो बहुत ही प्रामाणिक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है, कोर्स है, ये भगवद गीता यथारूप पे आधारित रहेगा, सारी टीचिंग्स, सब कुछ, क्विज भी। अगर आपके पास में ये कॉपी नहीं है गीता की तो प्लीज़ आप इसे अवेल कीजिए, आपको ये कोर्स के दौरान पढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो मुख्य विषय पर फिर आएंगे कि गीता के लिए ये दो प्रश्न आपके लिए। पहला, भगवद गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, अनेक उद्देश्य हैं या एक उद्देश्य है? दूसरा, ये बुक मेरे लिए पर्सनली इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, एक लॉयर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, कोई हाउसवाइफ है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भारतीय है, कोई भारत से बाहर निकलने वाला है, गरीब है, धनी है, आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला, नहीं रुचि रखने वाला, परेशान, सुखी, गीता उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? यंग हो, बूढ़ा हो, डजंट मैटर। तो ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तर मैं आपको बहुत आसानी से दे सकता हूँ सरल रूप से, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा, कोशिश करना चाहूँगा। पहला, उद्देश्य को देखते हैं। बहुत अच्छा होता अगर आप हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाते चैट बॉक्स में,
बहुत मज़ा आता, लेकिन आपका बेसिकली हमें रिप्लाई आता नहीं है तुरंत। कोशिश करते हैं अभी आप रिप्लाई कर पाओ तो, कि हम सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, तो आप हमें कुछ उदाहरण दीजिए या कुछ उपयोग बताएं जिसके लिए व्यक्ति स्मार्टफोन यूज़ करता है। इसकी एक लंबी सूची हो सकती है, तो आप प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिए कि स्मार्टफोन क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या पर्पस होता है स्मार्टफोन यूज़ करने का। मैं वेट करता हूँ आपके आंसर का, आशा करते हैं कि हमें रिप्लाई जल्दी मिलेगा। तो ऑनलाइन क्लास, वेरी गुड, मल्टीपर्पज़ है स्मार्टफोन का, ऑनलाइन क्लास सुन सकते हैं, और क्या है, शेयर नॉलेज, कम्युनिकेशन, गेम खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वेरी गुड। और भी कुछ बताइए, कुछ नया बताइए, कुछ ऐसा बताइए जो नहीं बता रहा है। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वेरी गुड, चैटिंग कर सकते हैं, यस। और क्या रिप्लाई आता है आपका, कनेक्टिविटी, आप जो रिप्लाई दे रहे हैं वो तो कॉमन है, देखते हैं कि आप कुछ टाइम पास, ओके, वेद ऑफ वेज, वेरी गुड। और क्या किया जा सकता है, प्रचार किया जा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, वेरी गुड, ये नया पॉइंट है। कैलकुलेटर भी होता है, वेरी गुड, आप बिल पे कर सकते हैं। तो गीता, सॉरी, मोबाइल फ़ोन के अनेक उद्देश्य हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, कॉलिंग की जा सकती है, चैटिंग की जा सकती है, न्यूज़ देखा जा सकता है ना, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन ये सब जो पर्पसेस हैं मोबाइल फ़ोन में जो आते हैं, ये सब पर्पस के बारे में हम अगर जानना चाहें कि बेसिकली मोबाइल फ़ोन को इन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, या ये सब पर्पसेस मोबाइल फ़ोन के द्वारा अचीव होते हैं, ये सब पर्पस मोबाइल फ़ोन को कौन देता है, ये सुविधाएं मोबाइल फ़ोन के द्वारा हमें मिलती तो हैं, लेकिन कौन डिसाइड करता है कि मोबाइल फ़ोन हमें ये सब कुछ दे सकता है, कौन उसको डिज़ाइन करता है उस प्रकार से। हम तो डिज़ाइन नहीं करते, हम तो यूज़ करते हैं, यूज़ करना सीखते हैं, लेकिन हमें कौन ये सब फैसिलिटी प्रदान करता है, आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर छिपा है कि गीता का उद्देश्य क्या है। वेरी गुड, जो मोबाइल फ़ोन बनाता है, करेक्ट है ना, जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया, मैन्युफैक्चरर हमें ये सब, निर्माणकर्ता हमें ये सब फैसिलिटीज सर्विसेज देता है, तो मोबाइल फ़ोन का निर्माणकर्ता बेस्ट जानता है कि मोबाइल फ़ोन का पर्पस क्या है, मोबाइल फ़ोन किस लिए है, उससे क्या क्या किया जा सकता है, ऐसा बेस्ट निर्माणकर्ता जानता है। उसी प्रकार गीता का पर्पस कौन जानता है, बेस्ट जिसने गीता कही। देखो मोबाइल फ़ोन तो व्यक्ति अलग अलग काम के लिए यूज़ करता है, कभी कभी गलत काम के लिए भी, चोरी कर सकता है ना मोबाइल फ़ोन के द्वारा, या फिर किसी को गुस्सा आ गया तो मोबाइल फ़ोन किसी के ऊपर फेंके मार सकता है, ऑफकोर्स उसके लिए मोबाइल फ़ोन नहीं बना है, पेपर वेट नहीं है, पेजेस उड़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से पेपर वेट का काम कर सकता है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन नहीं बना है। कोई व्यक्ति, जैसे मुझे अगर तिलक लगाना हो, आईना ना हो तो मैं उसकी स्क्रीन पर देख कर तिलक लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मोबाइल फ़ोन नहीं बना है। मोबाइल फ़ोन को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तब होता है जब हम उसी पर्पस के लिए यूज़ करें जिसके लिए वो बना गया हो। वैसे ही गीता को पढ़ के लोग अलग अलग पर्पस निकाल सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन गीता का वास्तविक पर्पस जानना हो तो उसके लिए हमें भगवान कृष्ण से समझना होगा, क्योंकि वो गीता के ओरिजिनल स्पीकर हैं। कृष्ण से जानना होगा, अर्जुन से समझना होगा, जिसने सबसे पहले गीता कही और जिसने सबसे पहले गीता समझी, उन्होंने कैसे कही और कैसे समझी, अगर हम वो जान लेंगे तो हम गीता को जान लेंगे, वास्तविक गीता को, और गीता का उद्देश्य भी जान लेंगे। तो गीता का पर्पस क्या है, वो पर्पस गीता में दिया है, जो कृष्ण बताते हैं कि गीता उन्होंने क्यों कही। इस सेशन के अंत तक आपको पर्पस क्लियरली पता चल जाएगा, अभी मैं थोड़ी पहेलियाँ बुझा रहा हूँ, लेकिन वो आपको और ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये शिक्षा हमें यहाँ पे मिलती है कि जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं, ध्यान से पढ़िए, जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जब हम गीता को जानते हैं, जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम बेहतर तरीके से जीते हैं, ये लाभ हमें मिलता है। अब सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि गीता का पर्पस क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कि गीता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझाना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि अर्जुन गीता का भगवान कृष्ण के द्वारा पहला स्टूडेंट था। अर्जुन कौन था, एक सामान्य व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आपको इतिहास में ले चलते हैं।
5120 वर्ष पूर्व गीता जयंती का दिन मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने का पहला एकादशी शुक्ल पक्ष का एकादशी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक व्यक्ति खड़ा है सेनाओं के बीच में और उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन। ये व्यक्ति कौन है? ये अपने समय का सबसे महान धनुर्धर है। अर्जुन में कोई कमी नहीं थी, सर्व गुणों से संपन्न अर्जुन था। हैंडसम लुकिंग मैन जिसकी चार बहुत सुंदर पत्नियां थी, जो विश्व प्रसिद्ध योद्धा था, उस जैसा धनुर्धर इतिहास में नहीं हुआ है और शायद नहीं होगा। शिव जी को भी उसने परास्त करने का एक ठोस मुकाबला दिया था। देवताओं के लिए वो लड़ा था, उन असुरों को मारा था जिसको देवता भी नहीं मार पा रहे थे। एट द सेम टाइम इंद्रिय को कंट्रोल करना हो, गुरु के प्रति निष्ठा हो, आत्मसमर्पण हो, भक्ति हो, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। अर्जुन में कोई गुण की कमी नहीं थी, लेकिन वो अर्जुन आज, मतलब उस दिन की बात कर रहे हैं जब गीता कही गई थी, युद्ध का पहला दिन था महाभारत युद्ध का, वो व्यक्ति जब अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध में, सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध भूमि में खड़ा है, तो व्यक्ति खो गया है, गुम हो चुका है, डर गया है, घबरा गया है। आप इमेजिन करो, कोई वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हो, बल्लेबाज, उसको अपने जीवन का सबसे अच्छा मैच, सबसे इम्पॉर्टेंट मैच खेलना है, और वो पिच पर जाता है बल्ला लेकर, पूरा जो देश की जनता है उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि ये व्यक्ति हमें जिताएगा, हमारे देश को जिताएगा, सारी टीम उस पर डिपेंड करती है, और ये व्यक्ति मायूस हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, हृदय में हार मान लेता है। कितनी कठिन परिस्थिति होगी उस व्यक्ति के लिए। अर्जुन उससे हजारों गुना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था। लाखों लोग अर्जुन को देखने आए थे कि वो कैसे युद्ध करेगा, लेकिन अर्जुन वहाँ उस परिस्थिति में जो उसका गेम है युद्ध करने का, वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। वो परेशान था, विचलित था, चिंतित था, घबराया हुआ था, दिशा खो चुका था। उसके अंदर में एक तूफान उठ गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट थी। अर्जुन की परिस्थिति जानिए, क्योंकि अर्जुन की परिस्थिति जानेंगे तो गीता के इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में समझ पाएंगे। अर्जुन तो केवल एक माध्यम है भगवान कृष्ण के हाथों में, ताकि वो अर्जुन के द्वारा गीता का संदेश हम तक पहुंचा सके। तो अर्जुन यहाँ उस रणभूमि में कॉन्फ्लिक्ट में है, क्राइसिस में है। व्यक्ति के जीवन में क्राइसिस आती है अलग अलग प्रकार की, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, फैमिली लाइफ में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो अर्जुन के जीवन में आइडेंटिटी क्राइसिस थी। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है इसको जानिए। जब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का पर्पस क्या है, वो खो जाता है। और ये क्यों थी? क्योंकि उसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट था। दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप नोट डाउन करेंगे तो अच्छा है। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे धर्मा अधर्मा कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जहाँ पर आपको दो चीज़ों के बीच में चुनना है, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक गलत एक सही। और ये काफ़ी आसान है, आप जानते हो कि ये सही है, इसको चुनना चाहिए। ऑफ कोर्स कमजोरियों के कारण हम कभी कभी नहीं चुन पाते, गलत डिसीजंस के कारण हम नहीं चुन पाते, लेकिन एटलीस्ट हम जानते हैं कि ये सही है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब कठिन होती है, तब कठिन होती है जब धर्मा धर्मा कॉन्फ्लिक्ट हो। मतलब आपको पता है ये भी अच्छा है, ये भी सही लगता है, ये भी अच्छा है, ये भी सही लगता है, और दोनों सही चीज में आपको एक चुनना हो। अर्जुन उस परिस्थिति में था, उसको दो सही चीज में से एक चुनना था। एक था कुल धर्म, कि मेरा परिवार यहाँ खड़ा है, मैं इनको जीवित देखना चाहता हूँ, इनको मैं बचाना चाहता हूँ, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। और दूसरा, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे यहाँ लड़ना है, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, बाण चलाना है, अपनों को मारना है, क्षत्रिय धर्म निभाना है, लेकिन उससे कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं क्षत्रिय धर्म निभाऊँ या कुल धर्म निभाऊँ? और ये जो टग ऑफ वॉर उसके अंदर चल रही थी, टकरार थी, इसका अनुभव हर व्यक्ति, हर इंसान इस संसार में करता है। हो सकता है उसकी युद्ध भूमि कुछ और। अर्जुन के लिए युद्ध रियल था, उसे युद्ध लड़ना था, अस्त्र शस्त्र चलाने थे। हमारे लिए शायद ऐसी युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं या हम युद्ध मैदान में और हमें अस्त्र शस्त्र चलाने। लेकिन जो हमारे अंदर युद्ध चलता है, एक इनर बैटल होती है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो तो हमेशा होता है, प्रतिदिन होता है, एक दिन में बहुत बार होते हैं, और उस बैटल की इंटेंसिटी अलग अलग होती है।
तो गीता हमें इस अंदर के युद्ध में जीतना सिखाएगी। गीता हमें इस अंदर के युद्ध के लिए तैयार करती है। अर्जुन के लिए वो इनर बैटल भी थी, आउटर बैटल भी थी। हमारे लिए शायद आउटर बैटल ना हो, लेकिन हम सबके लिए इनर बैटल है। हम जानते हैं हमारे अंदर एक अच्छा व्यक्ति है, हम ये भी जानते हैं हमारे अंदर एक बुरा व्यक्ति है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। हमें चुनना होता है, ये करें या वो करें, नहीं चुन पाते। हमको प्रेम और ईर्ष्या घृणा के बीच में चुनना होता है, क्रोध और करुणा के बीच में चुनना होता है, नम्रता और घमंड के बीच में चुनना होता है, ज्ञान और अंधकार के बीच में चुनना होता है, कर्तव्य और मस्ती मौज के बीच में चुनना होता है, और हम नहीं चुन पाते हैं। तो गीता हमें ये सब डिसीजंस लेने में सहायता प्रदान करती है। तो गीता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें सही निर्णय लेने में जीवन में सहायता देती है। वो अंदरूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो ये गीता का इम्पॉर्टेंस हम सब के लिए बन गया। अर्जुन के लिए था, ऐसे हमारे लिए भी है। बहुत लोग कहते हैं अर्जुन को तो कृष्ण ने गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई थी, तो गीता तो आउटडेटेड हो गई होगी। देखो अर्जुन तो धनुष बाण से लड़ता था, आज के समय में कौन धनुष बाण यूज करते हैं? हम तो मिसाइल्स यूज करते हैं, हम एटम बॉम्ब यूज करते हैं, हम तो बहुत एडवांस्ड हैं। तो गीता अर्जुन को बेनिफिट दे सकती थी शायद, लेकिन हमारे लिए कुछ नया चाहिए, कुछ अनोखा चाहिए, कुछ अलग चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली गीता हमें भी बहुत हेल्प देती है। उन हेल्प्स में से मैं आपको 5 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या गीता करती है हमारे लिए? गीता हमें बहुत ही कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है जो हमें कहीं नहीं मिल सकता, जिन प्रश्नों का उत्तर हमें बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं दे सकते। गीता बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में उत्तर दे देती है। आप इन सेशंस में, इन कोर्स में ही जानेंगे, इन आने वाले 19 दिनों में हम कितना कुछ सीखेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपने एक समुद्र में प्रवेश किया है, ज्ञान के समुद्र में, और आप उस समुद्र में नाना प्रकार के रत्न, मोतियाँ इत्यादि प्राप्त करोगे। पहले तो गीता हमें अनसुलझे हुए प्रश्नों के प्रश्न देती है। दूसरा, गीता हमको दुविधाओं से निकालती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीडे डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए गीता हमको सही दिशा दिखाती है। किसी प्रकार का कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, स्पिरिचुअल लाइफ तो है ही, मेटीरियल लाइफ में भी वो हर पग पग में हमें दिशा दिखाती है। तीसरा, तो पहला था प्रश्न का उत्तर, दूसरा हमारी दुविधाएं मिटाती है, तीसरा हमारा मनोबल बढ़ाती है। हम जानते सही क्या है, लेकिन हमें कुछ प्रेरणा चाहिए, कुछ उत्साह वर्धन होना चाहिए। और बहुत बार जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं, किसी का सहारा, किसी का साथ नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में गीता, जैसा कि गांधी जी ने कहा, याद है कि जब मैं किसी दिशा में, मुझे किरण नहीं दिखती, रोशनी नहीं दिखती, तो गीता से मैं आशा की किरण लेता हूँ। वैसे ही गीता हमें सहारा देती है, सपोर्ट करती है जब कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। चौथा, जो मेरा फेवरेट है, हम जब गीता पढ़ेंगे हमें सच में इस चीज़ का अनुभव होगा, एहसास होगा कि भगवान कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अर्जुन से कृष्ण प्रेम करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन गीता में हमें ये पता चलेगा कृष्ण हम सबसे प्रेम करते हैं। कृष्ण का प्रेम संदेश है गीता हमारे लिए। और आपको ये चीज़ का अनुभव रहा होगा, जब आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपको प्रेम करता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आप समझिए, जब आपको ये चीज़ का अनुभव प्रतिदिन हो कि कृष्ण भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इससे ज़्यादा जीवन में सुख देने वाला विचार, भावना और क्या हो सकती है। और पांचवा, गीता से ज़्यादा बेटर सेल्फ हेल्प बुक कुछ नहीं है। बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, लेकिन गीता इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि ये हर परिस्थिति में हेल्प कर सकती है। आज के समय में हज़ारों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैंने बहुत कुछ सुना है और मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ। तो काफ़ी ने मुझे ये पर्सनली कन्फेस किया है कि वो ज़्यादा समय तक अपनी ऑडियंस को मोटिवेटेड नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ नया देने के लिए है ही नहीं, और उनका जो मैसेज है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अप्लाई करता है। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स बदलती हैं, लोग बदलते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई संदेश नहीं है जो हर प्रकार के व्यक्ति को मोटिवेट कर सके, लेकिन गीता ऐसा कर सकती है। क्यों? क्योंकि गीता आध्यात्मिक बुक है, इट्स लिविंग बुक। अगर आपने हमारा कुछ दिन पहले जो हरे कृष्णा टीवी पर चैट शो हुआ था गीता के बारे में, अनसुलझे प्रश्न, उसमें हमने डिस्कस किया था कि गीता एक
लिविंग ग्रंथ है, जीवन है उसमें, क्योंकि वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई है। तो गीता हमारा हाथ पकड़ सकती है, हम गीता को जब खोलते हैं वो हमारे प्रति प्रश्न का उत्तर दे सकती है, अगर हमारी वैसी विचार आ रहा हो, वैसी भावना हो, हम उस प्रकार से उसको अप्रोच करते हैं। तो इसलिए मैं इस पूरे मैसेज को और इस पूरी टीचिंग को, बेनिफिट्स को एक लाइन में समराइज करता हूँ कि बेसिकली गीता एक लव लेटर है, जो आज का टॉपिक है। गीता कृष्ण का हमारे लिए एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र क्या होता है? प्रेम पत्र वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति आपको प्रेम का संदेश भेजता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, है ना। उसी प्रकार गीता में भगवान कृष्ण हम सबको ये संदेश देते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और इस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं गीता के द्वारा। तो हो गई ना गीता इम्पॉर्टेंट मेरे लिए? मेरे लिए क्यों, सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। इतने सारे हमने कारण देखे गीता के इम्पॉर्टेंट होने का। अब जब हम ये कहते हैं कि गीता एक जीवंत ग्रंथ है, तो हम ये नहीं कहते इस प्रकार, इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये हमारा सोचना है, हम आपको एक शास्त्र से प्रमाण देना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य इन्होंने कुछ श्लोकों की रचना की, बहुत ही सुंदर श्लोक, जिसे गीता ध्यानम कहते हैं। गीता ध्यानम का अर्थ, आप गीता का अध्ययन करने से पहले उसके ऊपर ध्यान खींचिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप हमारे पीछे पीछे हमारे साथ गा सकते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवदेशिनीं। थोड़ा सा इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर है ये। ओम पार्थाय, पार्थ अर्थात अर्जुन का एक नाम, पार्थ को गीता कही गई, किसने? भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना, और व्यासदेव ने इसे लिखा, लिखा और कहाँ डाला? उन्होंने महाभारत के बीच में डाला। व्यासदेव ने गीता को लिखा और महाभारत के बीच में डाला। अद्वैतामृत वर्षिणीम, ये गीता क्या करती है? ये अमृत की वर्षा करती है जो हमें अमरता प्रदान करती है। भगवद गीता अष्टादशाध्यायिनीम, गीता में 18 अध्याय हैं, और लास्ट 9 अम्ब त्वाम अनुसंधदामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम, गीता हमारे समस्त समस्याओं का हल कर सकती है, क्योंकि गीता अम्ब है। आदि शंकराचार्य जी गीता को अम्ब कहते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप सभी अधिकांश भारत से ही होंगे और ये शब्द को सुने होंगे, वर्नैकुलर लैंग्वेज में ये शब्द आता है, आसानी से मिलता है, तो अम्ब का अर्थ क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। अम्ब का अर्थ क्या होता है? हम आपके उत्तर का वेट करते हैं। वेरी गुड, माँ, मदर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अम्ब का अर्थ होता है माँ, अम्ब का अर्थ है माँ। अब आप देखिए कितनी विचित्र बात है कि इतना महान व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति एक पुस्तक को माँ कह रहा है। हम तो जानते हैं कि माँ किसी को कहा जाए तो उसमें प्राण होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। एक मृत वस्तु को कोई माँ नहीं कहता। जितनी भी माताएं होती हैं वैदिक साहित्यों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की 7 माताएं होती हैं, गौ माता, फिर अपनी जननी जो जन्म देती है, इत्यादि इत्यादि। तो माँ में जीवन है, तो वो एक ग्रंथ को वो माँ कह रहे हैं। क्यों? डेड बुक होती तो माँ क्यों कहते हैं? इसका अर्थ है कि गीता में प्राण है, जीवन है। एक माँ क्या करती है? अनेक कार्य करती है, लेकिन उसमें से हम उन कार्यों को अगर कैटेगराइज करें तो 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, माँ पोषण प्रदान करती है, माँ पोषण देती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है। दूसरा,
माँ क्या करती है, माँ बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है हर कदम में, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, बुरे संग से उसको बचाती है, अज्ञानता से बचाती है। तो ये माँ का योगदान है किसी के जीवन में। वैसे भगवद गीता हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या करती है, दो चीज़ें, एक तो उसके जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को पोषण प्रदान करती है, और दूसरा वो उस व्यक्ति के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षा देती है। ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं, इस प्रकार वो गीता को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि गीता में जीवन है और वो हमें उस प्रकार हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है आप सभी के लिए। हम आपसे यहाँ 10 प्रश्न पूछेंगे और आपको हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये रैपिड फायर राउंड जैसा रहेगा, बेसिकली आपको तुरंत इसका उत्तर देना होगा। देखते हैं किस प्रकार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। आप प्रश्न अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप प्रश्न के उत्तर के समय उसका नंबर दें, क्योंकि नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, समझ में नहीं आएगा। तो पहला, गीता में कितने अध्याय हैं, लेट्स सी कितने लोगों के पता है पहला क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, 18 अध्याय है। थैंक यू सो मच, गीता में 18 अध्याय हैं, ये तो हमने इस सेशन में भी जाना। नेक्स्ट, गीता में कितने श्लोक हैं, हाउ मेनी वर्सेस, हाउ मेनी संस्कृत श्लोक। हाँ, कुछ आंसर इसके भी आ रहे हैं। सात सौ श्लोक, वेरी गुड, गीता में 700 श्लोक है। थैंक यू। फिर गीता में कितनी आवाजें हैं, इस प्रश्न अगर आप समझ में नहीं पाए तो मैं समझाता हूँ थोड़ा। कितनी आवाज का अर्थ कि गीता में, ऑफकोर्स हम जानते हैं गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन गीता एक डिस्कशन, एक संवाद है, और इसमें अलग अलग लोग बोलते हैं, जैसे कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं। तो टोटल कितने लोग बोलते हैं गीता में, बहुत अच्छा, आप लोगों को, बहुत लोगों का आंसर पता है, 4 लोग बोलते हैं, कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अध्याय गीता का सबसे लंबा अध्याय है, विच चैप्टर इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर। आप आंसर जब दे रहे हैं प्लीज 4 पॉइंट करके आंसर बताओ, थोड़ा मेरे लिए समझ पाना आसान होगा आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। 4 पॉइंट करके आप आंसर बताइए, 4.1 या 2 या 3 या 4, जो भी चैप्टर सबसे लंबा है। कोई कह रहा है सेकेंड चैप्टर, नो, सेकेंड चैप्टर सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कौन सा चैप्टर है, ओके 18 चैप्टर सबसे लंबा है। थैंक यू। नेक्स्ट, गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, जानते हैं आप सभी से, विच चैप्टर इज द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा मैंने आप सभी से अभी, कौन सा चैप्टर सबसे छोटा है। कोई कह रहा है चैप्टर 3, 1, 12, वेरी गुड 12। हाँ, तो गीता का सबसे छोटा चैप्टर है 12 और 15, इन दोनों चैप्टर्स में केवल 20 श्लोक हैं। ये कब बोला गया, सॉरी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे उसको दिखा दिया, एनीवे ये कब बोला गया, कौन से वर्ष, कितने वर्ष पहले, अप्रॉक्सीमेट भी बताएंगे चलेगा। मैंने इसको इस सेशन में आप सभी से शेयर किया था कि गीता कब कही गई थी कृष्ण के द्वारा, हमारे पास में उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ईयर है। ओके, 5100 वर्ष, 120 वर्ष पहले लगभग। वेरी गुड, 5000 अप्रॉक्सीमेट चलेगा। नेक्स्ट, गीता को किसने लिखा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं, गीता को लिखने वाला कौन है। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इसे देख रहे हैं, अगर हो सकता है तो आप इंटरेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस का रिप्लाई कीजिए। वेद व्यास जी, वेरी गुड। इसमें एक एडिशन भी है और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। बेसिकली गीता को लिखने में 2 लोगों का रोल रहा है, व्यास देव जी और गणेश जी। अभी आपको कहानी बताते हैं, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। एक्चुअली व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं, साहित्यिक अवतार, और वो उस समय आए जब उनको ऐसा लगा कि आने वाले समय के लोगों को याद ज़्यादा नहीं रहने वाला है, उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम होगी, भूल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि वैदिक ग्रंथ तो इतने विशाल है, इन सबको कौन याद रख पाएगा, तो इसलिए इनको लिखना चाहिए।
लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे, याद कर पाएंगे। हम तो पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो व्यास देव जी को इतने सारे वैदिक ग्रंथ लिखने थे और ये बहुत ही विशाल काम था। तो उन्होंने सोचा अच्छा रहेगा मुझे कोई साथ में लिखने वाला मिल जाए, एक स्क्राइब मिल जाए, मैं बस डिक्टेट करूंगा, दूसरा व्यक्ति लिखता रहे, काम आसान होगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मिशन है, बहुत ही अच्छा कार्य है, सुंदर कार्य कि मुझे वेदों को लिखना है, लेकिन मैं अकेला नहीं लिखना चाहता, मुझे कोई चाहिए स्क्राइब जो नोट्स को लेगा, मेरी सहायता करेगा। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो लगता है आपकी सहायता केवल एक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो बहुत दक्ष है और वो कोई गलती नहीं करता। तो व्यास देव जी पूछते हैं कौन, तो वो बोलता है एक ही व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो है गणेश, आप गणेश जी को ले जाइए, गणेश आपकी सहायता करेंगे। तो गणेश जी चार हाथ हैं उनके चतुर्भुज और वो चारों हाथों से लिखते हैं, उनकी स्पीड सुपर डुपर फास्ट है। तो व्यास देव ने कहा ठीक है गणेश जी आप चलिए हमारे साथ, आप लिखिएगा। तो गणेश ने कहा मेरी कंडीशन है आप चुप मत होना, आपने अगर ग्रंथ कहना मुझे शुरू कर दिया तो जब तक वो ग्रंथ का आखिरी पन्ने का आखिरी लाइन खत्म नहीं होता है तब तक आप रुकोगे नहीं, आप पॉज नहीं कर सकते। व्यास देव ने कहा अरे मैं कोई कहानी थोड़ी ना बता रहा हूँ, उपन्यास नहीं, मैं यहाँ पे दर्शन सिखाना चाहता हूँ, तो सोचना पड़ता है। तो गणेश ने कहा नहीं नथिंग डूइंग, आप रुक नहीं सकते। एक्चुअली गणेश ऐसा क्यों कहे, क्योंकि गणेश इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो सोच रहे थे व्यास देव कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं वेट नहीं कर सकता, मैं व्यास देव के मुख से ये जो अमृत बहने वाला है इसको निरंतर पीना चाहता हूँ। वो पॉज करेंगे तो मेरे स्पिरिचुअल एंटरटेन में बाधा आ जाएगी, तो आई डोंट वॉन्ट दैट ब्रेक, मुझे इस रस का आस्वादन करना है, इसलिए आप रुक नहीं सकते। तो व्यास देव जी बोले ठीक है गणेश, मेरा भी एक कंडीशन है, जब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लिखना नहीं, समझ में आएगा तभी लिख पाओगे। तो गणेश ने कहा ठीक है। तो क्या हो रहा था, एक ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन चल रहा था। व्यासदेव 100-200 श्लोक मन में सोच लेते, उसको कह देते हवा की गति से, गणेश उसको लिख देते, फिर व्यासदेव को समय चाहिए था सोचने के लिए, तो वो ऐसा एक श्लोक कह देते तो समझने में बहुत कठिन होता, तो गणेश जी उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते और व्यासदेव को समय मिल जाता और श्लोक सुन का रचना करने का और बताने का। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ही तेज गति से बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें एक था गीता। तो गीता दो लोगों के योगदान से हमें मिलता है, जहाँ लिखने की बात आती है व्यास देव और गणेश जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीता किस शास्त्र का हिस्सा है। ऑफ कोर्स गीता हमें इंडिविजुअली प्राप्त होती है एज एन इंडिविजुअल बुक, लेकिन गीता किसी एक दूसरे विशाल ग्रंथ का भाग है। ये उत्तर भी हम आपको दे चुके हैं, इसका हिंट आपको मिल चुका होगा पहले हमने जो डिस्कस किया उसमें। तो ये कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है? वेरी गुड, महाभारत में मिलता है। महाभारत में 18 बुक्स हैं, उसमें जो 10th बुक है उसका नाम है भीष्म पर्व, तो उसके चैप्टर 23 से हमें चैप्टर 40-41 तक है ना ये प्राप्त होता है, नहीं 40 तक प्राप्त होता है, स्क्रीन पे 40 दिया है। नेक्स्ट, कौन गीता को पढ़ सकता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसे कि उस दिन टॉक शो में हमसे पूछा जा रहा था कौन पढ़ सकता है, क्या उसके लिए पंडित होना पड़ेगा, ब्राह्मण होना पड़ेगा, संस्कृत जानने वाला होना पड़ेगा, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, या फिर जो नॉनवेज खाते वो नहीं पढ़ सकते, जो इंटॉक्सिकेशन लेते वो नहीं पढ़ सकते, जो पुण्य आत्मा है बस वही पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकता है? आंसर क्या है, कोई भी पढ़ सकता है, नो मटीरियल बैरियर, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना आता है पढ़ सकता है, करेक्ट, कोई भी पढ़ सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसको कौन समझ सकता है? इसका उत्तर आप तुरंत दे सकते हैं लेकिन सोच के दीजिएगा, पढ़ने तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सब समझते नहीं हैं, तो कौन समझ सकता है? गीता को ओपन सीक्रेट कहते हैं, ओपन सीक्रेट मतलब खुला है, सबको उपलब्ध है, लेकिन फिर भी रहस्य है, सीक्रेट है। ऐसा क्यों, सीक्रेट क्यों है, कौन समझ सकता है? ओ कोई कहता है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति, कोई कहता है भक्त समझ सकता है, कोई कहता है गुरु के द्वारा समझा जा सकता है, कौन समझ सकता है? जिज्ञासु व्यक्ति। हाँ, इसका बहुत सरल उत्तर है, हाँ बहुत सरल उत्तर जो गीता में दिया गया है, जो भी गीता को यथारूप समझने की कोशिश करता है, यथारूप इन द मीनिंग, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आए तो हम उस बात को
तोड़ मोड़ करके बदले नहीं, या फिर हम उसको रिजेक्ट ना कर दें, या फिर हम गीता के द्वारा कुछ अपना ही संदेश देने का प्रयास न करें, जैसी गीता है हम वैसा ही समझने की कोशिश करें। नो एडल्टरेशन, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस कोर्स में हमारा यही पर्पस रहेगा कि हम गीता को बदलेंगे नहीं, हम बस गीता को सरल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम गीता को आसानी से समझ सकें। बट वी विल नॉट चेंज गीता, क्योंकि गीता बदल जाएगी तो हमें फिर उसका ट्रू बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सरसाइज हमारे साथ करने के लिए। अभी प्रश्नों की जो लड़ी है पूरी नहीं हुई है, एक और प्रश्न आपका आने वाला है कि आप यहाँ पर 6 नाम देख रहे हो, ये गीता के पहले 6 चैप्टर्स के संस्कृत में नाम है। गीता के अध्यायों को, 18 अध्यायों को व्यासदेव जी ने दिया है, लेकिन इन 18 अध्यायों को जो सबसे पहला नाम दिया गया वो आदि शंकराचार्य ने दिया, संस्कृत में दिया। 18 के 18 नाम हम आपको स्क्रीन में नहीं दिखा रहे, पहले 6 दिखा रहे हैं। तो आप इन नाम को स्टडी कीजिए, और इन नाम को स्टडी करने के बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं इन नाम को पढ़ने के लिए, और मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए इन नाम के बेसिस पे, इनके इन नाम के आधार पर। तो पहला प्रश्न है, क्या गीता कर्म शास्त्र है? ऐसा लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि गीता हमें केवल कर्म करना सिखाता है, राइट? गीता टीचेस अस एक्शन, वर्क, और हमें बस कर्म करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, हमें गीता भी नहीं पढ़नी चाहिए, बस कर्म करना चाहिए। तो क्या गीता कर्म शास्त्र है? आप इन नाम की सूची को देखिए और उसके बेसिस में आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स का नाम है। नहीं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, गीता कर्म शास्त्र नहीं है। तो गीता क्या है? ये एक भ्रांति है कि गीता कर्म शास्त्र है। तो गीता का वास्तविक विषय क्या है? इन नाम के बेसिस में बताइए गीता का वास्तविक विषय क्या है। व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ गीता? वो आपको इन नामों में दिख रहा होगा, एक कॉमन बात है इन नामों में जो हर गीता के चैप्टर में है, 18 के 18 चैप्टर्स में वो आता है। वो क्या है? गीता किस चीज का शास्त्र है? गीता हमें क्या सिखाता है? वेरी गुड, गीता योग शास्त्र है ना? इसलिए तो पहला चैप्टर है अर्जुन विशार योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा भी योग, पांचवा भी योग, अलग अलग प्रकार से जुड़ना। तो हम जो 18 चैप्टर्स आने वाले करने वाले हैं उन सब में हम अलग अलग प्रकार से जुड़ना सीखेंगे। योग का अर्थ क्या होता है? योग का एक सरल अर्थ है, यहाँ पर हम आपको 3 अर्थ बताने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आप योग के किस अर्थ को जानते हो, योग का अर्थ आपके अनुसार क्या है, व्हाट डज योग मीन। मैंने इंग्लिश में ये सेशन कुछ समय पहले किया था, तो एक व्यक्ति ने कहा योग का अर्थ है प्राणायाम। ऑफकोर्स योग का एक विधि है प्राणायाम, लेकिन वो योग का अर्थ नहीं है। योग का क्या अर्थ है? कनेक्टिंग, वेरी गुड। कुछ कोई व्यक्ति कहता है कनेक्टिंग, थैंक यू, और कोई कहता है बैलेंस, कोई कहता है जुड़ना, यूनियन विद गॉड, वेरी गुड। आपके उत्तर लगभग सही हैं। तो हम यहाँ पर आपको योग के 3 अर्थ बताते हैं, योगा के आपको 3 अर्थ बता रहे हैं। पहला अर्थ है युक्त होना, युक्त होना मतलब जुड़ना, जुड़ पाना, जुड़ जाना, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ना। तो ये पहला अर्थ है, योग के द्वारा हम प्रोग्रेस करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में भी, ये योग का पहला अर्थ है। दूसरा है जुड़ना भगवान से, अपने आप से, स्वयं से, और तीसरा है ईमानदार होना, बींग ट्रू टू वनसेल्फ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मेरा वास्तविक कर्म क्या है और मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके प्रति सच्चाई बनाए रखना। ये योग हमें देता है 3 चीजें, और पूरी गीता हमें योग का तरीका सिखाती है अलग अलग तरीके से, जो अलग अलग चैप्टर में मिलता है। तो हमने गीता के बारे में कुछ तथ्य भी जाने, 4 चीजें हो चुकी हैं। अब इस सेशन का 5वां और आखिरी भाग बचा है, जो आपको आने वाले सेशन में प्रतिदिन लगेगा, काम आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हो सके तो नोट्स बनाइए। ऑफकोर्स आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी रिफ़र कर सकते हो, लेकिन पर्सनल नोट्स का अपना एक बेनिफिट होता है, आप अगर उसे बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वेद बहुत विशाल है, हम पूरा वेद नहीं पढ़ सकते, इतना ना हमारे पास समय है ना समझने की क्षमता है।
लेकिन सभी वैदिक ग्रंथों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग को कहते हैं श्रुति शास्त्र, दूसरे भाग को कहते हैं स्मृति शास्त्र। श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब स्मरण करना। तो जो शास्त्रों को सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको श्रुति कहते हैं। जिन शास्त्रों को व्यक्ति अपने मन से स्मरण करके निकाल कर समझाता है कहानियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, उसको स्मृति कहते हैं। वैदिक सभी ग्रंथों को इन दो भागों में बांटा जा सकता है, श्रुति और स्मृति। चार वेद जैसे ऋग, यजुर, अथर्व, साम श्रुति है, उपनिषद भी श्रुति है, जितने भी उपनिषद हों। लेकिन स्मृति में क्या आता है, जितने भी पुराण हैं, उपाख्यान हैं, उपपुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, सब स्मृति में आता है। भगवद्गीता की विशेषता क्या है कि भगवद्गीता दोनों में आती है, गीता श्रुति भी है स्मृति भी है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता को कहा, जो भी ग्रंथ भगवान कृष्ण के मुख से निकलता है, नारायण के मुख से निकलता है, वो श्रुति होता है। तो कृष्ण ने गीता कहा, इसलिए गीता श्रुति हो गई। लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया, गीता महाभारत का एक भाग है, तो गीता स्मृति भी हो गई, दोनों हो गई। तो ये गीता की विशेषता है कि गीता को पढ़ने से व्यक्ति को सभी वेदों का ज्ञान मिल जाता है, इसलिए गीता को सभी वेदों का सार कहते हैं। 700 श्लोक हैं केवल गीता में, लेकिन इतना अगर हम जान लें, हम सभी वेदों को जान लेते हैं, सारा वेद समझ लेते हैं। केवल वेद नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, हम सब कुछ जान लेते हैं। तो अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि गीता के 18 चैप्टर्स को कैसे समझें। गीता के जो पहले चैप्टर्स 6 चैप्टर्स हैं वो मेरे बारे में है, इन द सेंस वो मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, वो स्वयं के बारे में बताते हैं। इट्स अबाउट मी या फिर इट्स अबाउट यू, है ना। एक व्यक्ति, उसके जीवन, उसके कर्म, उसके चारों तरफ ये 6 चैप्टर घूमते हैं। तो पहला चैप्टर है विलाप, अर्जुन का विलाप, जो हम कल जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अर्जुन क्यों दुखी था, क्यों परेशान था और उसके मन में क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थिति से वो गुजर रहा था, वो पहला चैप्टर। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो कृष्ण ने डायग्नोज किया और सॉल्व करने के लिए दूसरा चैप्टर में अर्जुन को एक पहचान दी। अर्जुन आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक आइडेंटिटी दी, पहचान दी कि अर्जुन तुम ये हो और तुम्हें ये करना है, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो तुम्हें ये करना होगा। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं अभी डिटेल में इससे नहीं जा रहा क्योंकि हम आने वाले सेशन में डिटेल में जाएंगे। तीसरा, जब आपको पता चल जाता है कि आपकी पहचान क्या है, तो फिर आप क्या करना है उसे समझ पाते हो। When I know who am I, then I know what I should be doing. मैं कौन हूँ, इसके बाद मुझे पता चलता है मुझे क्या करना है। तीसरा चैप्टर हमें कर्तव्य बताता है। चौथा, आप ये जान चुके हैं आपकी पहचान क्या, आप ये जान चुके हैं आपको करना क्या, तो चौथा चैप्टर क्या बताता है, जानो जो करना है वो कैसे करना है, फिर करो, आँख बंद करके मत करो, ज्ञान में करो। तो हमें चौथा चैप्टर ज्ञान देता है, जो ज्ञान प्राप्त कर हमें वो करना है जो तीसरे चैप्टर में दिया गया है, क्योंकि वो मेरी पहचान है तो दूसरे चैप्टर में दी गई है। और ये करने पर व्यक्ति को पांचवा परिणाम मिलेगा जो चैप्टर 5 में दिया है, कि हम ये करेंगे तो अपने हृदय के अंदर आनंद का अनुभव कर पाएंगे, शांति का अनुभव कर पाएंगे, रिजल्ट। और इसके बाद व्यक्ति चैप्टर 6 में जो दिया है वो कर सकता है, जिसे ध्यान कहते हैं। ध्यान शांत मन के द्वारा होता है, विचलित मन में ध्यान नहीं हो सकता। तो कृष्ण चैप्टर 6 में ध्यान तब बताते हैं जब व्यक्ति ने ऑलरेडी चैप्टर 2+3+4 करके अपने अंतकरण में शांति को प्राप्त कर ली हो। तो इस प्रकार वो हमें ये 6 चैप्टर्स में हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं। नेक्स्ट सेट में जाएंगे। अच्छा, पहले और बाद सरल है। नेक्स्ट सेट में, ये नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स का सेट है ये कृष्ण के बारे में है। चैप्टर 7 हमें कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। चैप्टर 8 हमें कृष्ण के पास कैसे पहुंचा जा सकता है वो बताता है। चैप्टर 9 कृष्ण की भक्ति कैसे करें। चैप्टर 10 कृष्ण का स्मरण हमेशा कैसे करें, हर परिस्थिति में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी। चैप्टर 11 भगवान के 3 अलग अलग कौन से रूप हैं, और चैप्टर 12 भगवान को कौन प्रिय है, हु इज डियर टू कृष्णा।
फिर लास्ट जो 18 चैप्टर्स के लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो हमें संसार के बारे में बताते हैं। देखिए गीता में कितना कुछ है, गीता में सब कुछ है। गीता हमारे बारे में, भगवान के बारे में और ये संसार जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में सब कुछ बताती है। तो जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो इस संसार को एक पर्टिकुलर प्लेस से कंपेयर करके समझाती है। वो स्थान है कारागार। कारागार में लोग कह सकते हैं वो दंड देने का स्थान है, लेकिन बेसिकली मैं कहता हूँ कारागार व्यक्ति को बदलने का स्थान है, उसको रिफॉर्म करने का स्थान है, इट्स फॉर रिफॉर्मेशन। तो गीता के ये लास्ट 6 चैप्टर्स हमें एक कारागार का उदाहरण लेकर संसार को समझाते हैं। तो 13वां अध्याय जो है वो ये बताता है कि बेसिकली साक्षी कौन है, कौन देखता है कि हमने जो किया वो सही है या गलत है, हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ये कौन देखता है, कौन बताता है। इस चीज का हमें चैप्टर 13 में ज्ञान मिलता है, हु इज द विटनेस। कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने सही किया गलत किया, ये कैसे पता चलेगा, कौन इसको डिसाइड करता है, तो वो हमें चैप्टर 13 में पता चलता है। फिर चैप्टर 14 में हमें पता चलता है कि ये अगर कारागार है, ये एक प्रिजन हाउस है, तो इस प्रिजन हाउस की जो सलाखें हैं जेल की वो कैसी हैं, हमें दिखती तो नहीं, हम कैद में अगर हैं तो हमें सलाखें तो दिखनी चाहिए, लेकिन हमें सलाखें दिखती नहीं हैं, तो वो सलाखें हैं कैसे, उसका ज्ञान हमें चैप्टर 14 में मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर 15 में हमें पता चलेगा कि इस जेल से या इस कारागार से निकला कैसे जाए, रिलीज प्लान, व्यक्ति कैसे बाहर निकल सकता है, फंस तो गया है प्रॉब्लम्स में, लाइफ में, सिचुएशंस में, कठिनाइयों में, लेकिन वो कैसे बाहर निकल सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। फिर चैप्टर 16 हमें बताता है कि इस कारागार में रहने वाले जो कैदी हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 17 हमें बताता है कि हालांकि आपको पता चल गया कैसे निकलना है, आप फंसे हुए हो, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझाता है। और फिर चैप्टर 18 हमें लास्ट चैप्टर बताता है कि व्यक्ति को अगर इस प्रॉब्लम से निकलना है तो उसको क्या करना होगा, उसे समर्पण करना होगा, शरणागति, कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना डेवलप करनी होगी तो निकल सकता है। ये मैंने बहुत ही कंसाइसली आपको 18 चैप्टर समझाने की कोशिश की, ये सबसे सरल तरीका है इनको याद करने का, समझने का, और आगे के चैप्टर्स में हम गहराई में डुबकी मारेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये हमने जाना 18 चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में, ये बात भी मैं कह चुका हूँ कि एक जेल के समान है कारागार। हम नेक्स्ट कि प्रेम संदेश कहाँ है, आप में से किसी ने अगर प्रेम पत्र लिखा हो कभी या किसी को प्रेम संदेश पहुँचाया हो तो आपको पता है कि हर संदेश को भेजने का एक तरीका होता है, पहले तो एक इंट्रोडक्शन होगी, भूमिका, फिर आप अपना जो एक्चुअल मैसेज है वो देना चाहोगे, और जो लास्ट है उसमें आप कंक्लूजन, निष्कर्ष, आप क्या कहना चाहते हो वो बताओगे, करेक्ट। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी उसी मेथड को फॉलो करते हैं, पहले वो क्या करते हैं, शुरू में हमें बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं इस सब्जेक्ट मैटर से, है ना, गीता क्या है, गीता एक प्रेम का विषय के बारे में ग्रंथ है, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पहले हमें कर्म योग का ज्ञान देते हैं, द नॉलेज ऑफ कर्म योगा, ये सब मैं डिटेल में आपको ऑफकोर्स बताएंगे कि कर्म योग क्या है, कर्म का ज्ञान देते हैं, फिर बीच में वो प्रेम का संदेश डालते हैं, प्रेम भक्ति का, और लास्ट में वो ज्ञान योग का ज्ञान देते हैं ना। आगे आने वाले सेशन में आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, तो अभी समझ में पूरा नहीं आता है, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स क्या कहलाते हैं, कर्म योग, मिडिल 6 चैप्टर्स भक्ति योग, लास्ट 6 चैप्टर्स ज्ञान योग। जो प्रेम का मैसेज है उन्होंने बीच में रखा है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए किसके लिए, किस पर्पस के लिए, प्रेम सीखने के लिए भगवान से और भगवान की संतान से। ज्ञान व्यक्ति को अर्जित करना चाहिए किस पर्पस के लिए, प्रेम के लिए, भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए और भगवान के संतान से प्रेम करना सीखने के लिए। ये गीता का सेंट्रल मैसेज है, ये गीता का पर्पस है,
इसके लिए कृष्ण ने गीता को कहा और इस मैसेज को हम तक पहुंचाया। तो ये आने वाला जो स्लाइड है वो एक और तरीका, दूसरा तरीका है गीता को आप तक पहुंचाने का, उसके मैसेज को क्रिस्ट रूप में बताने का, कि हम गीता में एक यात्रा से गुजरते हैं, एक योग की यात्रा, योगा जर्नी, जर्नी ऑफ योगा, उसका एक रोड मैप आपको दे रहे हैं। इसके 5 लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं। अभी हम लेवल 1 में होंगे शायद, और हमें लेवल 5 तक पहुंचना है। तो ये लेवल 1 क्या है? ये है वो परिस्थिति जिसमें हमें घुटन होती है, कठिनाइयाँ, समस्या, कारावास के समान हम बंधे से रहते हैं। हम स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, हमारी कमियां हैं, हमें खामियां हैं, मजबूरियां हैं। और हमें वहां से कहां तक जाना है? हमें स्वतंत्रता तक जाना है, फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। तो ये पूरी जर्नी है गीता की बेसिकली। और शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। 1 में अभी आपको मैं अगर वो एक कारागार का एग्जाम्पल दूँ सरल बनाने के लिए, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की, अभी वो जेल में है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तो उसको जेल में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, उसके लिए जेल नॉर्मल है। लेकिन जेल में जाकर जेल का जीवन नॉर्मल लगना एबनॉर्मल बात है, वो नॉर्मल नहीं है। तो ये पहली अवस्था, पहली सिचुएशन है उसकी, पहला स्टेज है कि वो व्यक्ति परेशानी में होकर भी परेशानी को समझ नहीं पा रहा है, उसे अपने कारावास में होने का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको कहेंगे बद्ध जीवन। लेकिन इसके बाद में व्यक्ति नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसको कर्म योग कहते हैं। इसका अर्थ है वो अपने जीवन में कुछ नियमों को स्वीकार करने लगता है, कि उसको पता चल गया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे निकलना है, तो मुझे कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ बातें माननी होगी, जेल के जो अधिकारी हैं उनकी बात सुननी होगी। तो कर्म योग अर्थात नियमों को स्वीकार करता है जो वेद में नियम दिए गए हैं, और अपना जीवन उसके अनुसार जीता है, अर्थात वो अपने आप को बदलने की यात्रा शुरू कर चुका है, वो इस यात्रा में आगे बढ़ने का प्रयास करना शुरू कर चुका है, थोड़ा आगे बढ़ भी चुका है, स्टेज 2 में आ गया। जब वो वेदों के नियमों को पालन करने लगता है तो उसके हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और उसमें एक इच्छा आती है कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जो स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वतंत्रता का स्थान है, वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में और जिज्ञासा करूँ और जाने की इच्छा करूँ। तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन के समुद्र में प्रवेश करना चाहता है, ज्ञान में, कि क्या है आध्यात्मिकता, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, वेदों में जो ज्ञान दिया है वो क्या है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाता है, उसकी भूख बढ़ जाती है, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो। जैसे कि आप सभी अभी गीता का ज्ञान सीखना चाहते हो, आपने ये जो डिसीजन लिया है बहुत ही बड़ा डिसीजन है, 19 सेशंस का कोर्स अटेंड करना, 2.5 महीने के लिए कोर्स चाहिएगा, लेकिन आपने इंटरेस्ट दिखाया है, तो यू आर इंटरेस्टेड, आप सीखना चाहते हो, आप में वो सीखने की भूख है, जिज्ञासा है। तो ये थर्ड स्टेज है कि व्यक्ति में अब ये अंदर से ज्ञान आ चुका है, उसको ये ज्ञान के प्रति रुचि आ चुकी है, और वो सीखना चाहता है, स्वतंत्रता की ओर वो आगे बढ़ना चाहता है बहुत तीव्र गति से। और उसके बाद में फिर चौथा है, अब वो चूंकि उस स्थान के करीब पहुंच रहा है तो वो ध्यान कर रहा है, ध्यान योग। जैसे कि कोई अगर जेल में है और उसको अब पता चल गया कि बाहर का संसार कितना अच्छा है, ऑफकोर्स पहले भी पता था लेकिन उस बात को भूल चुका था, अब उसको स्मरण आ चुका है, वो जाना चाहता है, तो वो हर दिन उसके बारे में सोचेगा, मैं कब जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा, वो संसार कितना अच्छा है। तो उसको कहते हैं ध्यान। व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन, वो फ्रीडम वाला स्थान के बारे में हमेशा सोचता रहता है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट, तो उसको कहेंगे ध्यान योग। और फिर लास्ट है, वो स्थान पर पहुंच जाता है जिसको हम कहेंगे भक्ति। भक्ति अर्थात प्रेम, भगवान से पूरी तरह से जुड़े रहना, उसको कहते हैं भक्ति। तो उसको प्राप्त कर पाता है, वहां तक पहुंच जाता है, और वही स्वतंत्रता है, वही वास्तविकता में गीता का संदेश है कि हम भगवान की भक्ति तक कैसे पहुंच जाएं और भक्ति कैसे करें, क्योंकि वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आनंद का अनुभव करवाएगी। तो ये लेसन हमारे जीवन में कई यात्राएं की होंगी। गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रही है, जिससे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। हमें गीता एक वैसी यात्रा पे ले जाती है जो अंदर की यात्रा है, हृदय की यात्रा,
और जिसे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। गीता हमें वहां ले जाती है। एक और टेक्निकल स्लाइड आ रही है, इसको अब आप समझ नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको नोट करके रखिएगा, आगे हमें काम आएगा। कर्मयोग के बारे में आपने जाना, जब व्यक्ति कर्म से भगवान से जुड़ता है उसको कर्मयोग कहते हैं। तो उस कर्मयोग में जब व्यक्ति ज्ञान और त्याग को जोड़ देता है तो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है जिसको कहते हैं ज्ञान योग, अर्थात ज्ञान से भगवान से जुड़ना। फिर जब वो उस ज्ञान योग में ध्यान को जोड़ देता है तो उसको कहते हैं ध्यान योग। और उस ध्यान योग में जब वो भगवान के प्रति भक्ति को जोड़ देता है तो उसको कहते हैं भक्ति योग। ये नाना प्रकार की जो गीता में योग आते हैं उसके बीच में संबंध है। ऑफ कोर्स इतना कहने से आप पूरी तरह से नहीं समझ जाएंगे, हम आपको इस सेशन में केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं, डिटेल में हम आगे आने वाले सेशंस में प्रवेश करेंगे। तो इस सेशन को मैं इस आखिरी संदेश से पूरा करना चाहूँगा, उसके बाद में ऑफ कोर्स हमारे क्वेश्चन आंसर वाला भाग है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है उसका ये लास्ट स्लाइड है। भगवद गीता यथारूप को जो जिन्होंने हमें दिया है श्रील प्रभुपाद जी, उनके मुखारविंद से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं गीता के बारे में। उन्होंने ये लंदन में लेक्चर दिया था 19 जुलाई 1973। जो कुछ भी कृष्णा भगवद गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं, बस इतना स्वीकार कर लें, हम गीता को उतना ही समझ लें जितना कृष्णा ने हमें गीता में दिया है, तो हम तुरंत भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। मतलब हम दोबारा उस पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। ये गीता हमें प्रदान करती है, ये गीता का महत्व, उसकी सुंदरता है। अब हम जो सेशन है यहाँ पर समाप्त करते हैं, आपसे क्वेश्चंस लेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो आपके क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी उसका उत्तर देने के लिए। ऑफ कोर्स आज हम सभी क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे, समय कम है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा स्पेसिफिकली आप सभी के लिए जिन्होंने इस कोर्स में रजिस्टर किया है। उसमें हम आपके क्वेश्चंस वेडनेसडे को शाम को 8 बजे ये सेशन रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं, वो लाइव चैट शो रहेगा। और आज के क्वेश्चंस और कल के क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आप उस सेशन में पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आपके पास में कुछ समय है पूछने के लिए। उसके बाद में हम आपको कुछ अनाउंसमेंट्स देना चाहेंगे सेशन के लिए, फिर इसको समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या भगवद गीता को समझना आसान है या कठिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा जी आपका। देखिए, गीता को समझना आसान भी है और कठिन भी है, डिपेंड करता है कि आप गीता को कैसे अप्रोच करते हो। ऑफकोर्स अगर हम गीता को उनकी सहायता से समझेंगे जिन्होंने गीता को बहुत बार पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आप गीता को बहुत मात्रा में समझ लेंगे। तो इसलिए आप ये इससे मत घबराइए कि वो कठिन है, या इस प्रकार भी मत सोचिए वो आसान है। आप कोर्स अटेंड कीजिए और उसको जितना समझ पाते उतना समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति पर डिपेंड करता है कोई कैसे अप्रोच करता है, उसके लिए वो कठिन भी बन सकती है और आसान भी हो सकती है। एटीट्यूड होना चाहिए कि हम सच्चे हृदय से समझना चाहते हैं, फिर समझना बहुत आसान है। सहायता के द्वारा भगवद गीता यथारूप की कॉपी ऑर्डर कीजिए, उसको पढ़िए, उसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी है, और इस कोर्स को अटेंड कीजिए, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है पूजा जी, थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। वेद तथा श्रीमद भगवद गीता में अंतर क्या है? हमने जैसे आपको सेशन में बताया, वेद बहुत विशाल है। जब हम वेद कहते हैं, वेद का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं। तो वेदों का सार गीता में है ना, वेद और गीता में यही अंतर है कि वेदों का सार गीता में है। वेद बहुत सारे अलग अलग विषय को छेड़ता है और गीता उसके सार को हमें प्रस्तुत करती है। तो किसी ने गीता को पढ़ लिया तो वो समस्त वेदों को जान लेता है। मुख्य उद्देश्य दोनों का एक ही है। दोनों का उद्देश्य क्या है कि वही परिणाम हमें जो गीता देती है, पूर्ण स्वतंत्रता, भगवान से प्रेम करना सिखाती है गीता, वही उसके लिए भी वेद वास्तविकता में बना है। ठीक है, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए भी। और कोई प्रश्न? कॉन्फ्लिक्ट मतलब कन्फ्यूजन बिटवीन अधर्म एंड धर्म, या फिर धर्म एंड धर्म, दोनों प्रकार का हो सकता है। अधर्म और धर्म के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और धर्म के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है।
मतलब बुरा क्या है और अच्छा क्या आपको पता हो और आप दोनों में से एक को चुन नहीं पा रहे हो, वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा, एक चीज अच्छी है दूसरी चीज अच्छी है, दोनों में आप चुन नहीं पा रहे हो, वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? What to prepare for tomorrow? Very good question. मैं आपको ये next slide में बताने वाला हूँ, wait कीजिए ना, या फिर ठीक है इस question को अभी ले लेते हैं। Basically कल हम chapter 1 discuss करेंगे, तो अगर आपके पास में भगवद गीता यथारूप है तो आप chapter 1 के केवल जो श्लोक है उसका अनुवाद पढ़ के आ जाइए, बस उतना। उसमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, वो आप करोगे तो आपको कल का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उतना कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन? सेशन के दौरान नोट्स बनाने में अच्छे से समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप नोट्स दोबारा इस वीडियो को देखकर बना लीजिएगा। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, सेम लिंक को दोबारा क्लिक कीजिए आज रात को या कल सुबह और फिर नोट्स बना लीजिए, आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम। आप लाइव करना चाहो या बाद में बनाना चाहो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है? भक्ति योग करने के लिए संन्यास लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं दुप ज्योति जी, अर्जुन तो संन्यास नहीं लिए थे, कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग करना सिखाए, तो भक्ति योग का और संन्यास का कोई इस प्रकार से लेना देना नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में हम देख पा रहे हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चंस आज के सेशन से संबंधित ही पूछिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या संस्कृत श्लोक पढ़ना मैंडेटरी है? पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान तो कुछ भी नहीं, इनफैक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक शुद्धता है। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए, सॉरी संस्कृत पढ़िए अगर पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू अंडरस्टैंड गीता, आप ये कोर्स अटेंड कीजिए, आप समझ जाएंगे, कोर्स उसी के लिए तो है। आप कोर्स पढ़िए, कोर्स अटेंड कीजिए, गीता पढ़िए तो आप समझेंगे। अभी उसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं, गीता को समझना है तो गीता को पढ़ना है, और जो गीता को अच्छे से समझते हैं अप्लाई करते हैं उनके द्वारा सीखना है तो हम समझ सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करना भी, ये कोर्स के द्वारा आपको बहुत कुछ शिक्षा दी जाएगी, आप उसके द्वारा गीता को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये सर्टिफिकेट का कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप सारे सेशंस अटेंड करेंगे, हर सेशन का एक क्विज है उसको सॉल्व करेंगे, और इन सभी क्विज में स्कोर है, तो इन टोटल अगर आपको 65% मिलता है सभी क्विजेस को मिलाकर तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि गीत कर्म ही पूजा है? अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं वो तो आप लोग से पूछिए, लोगों से पूछिए, हम कैसे बता सकते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्म ही पूजा है? अलग अलग लोग की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोच होती है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो लोग, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अब ऐसा गलत है, कर्म पूजा नहीं है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ नहीं है, ये हम गीता से सीखते हैं। कर्म करना सही तरीके से आना चाहिए, कर्म का पर्पस जानना चाहिए, तब जाकर कर्म हमें फ़ायदा देता है। तो कर्म से बेटर है कर्म योगा, और वो हम चैप्टर 3 में डिटेल में समझेंगे। ठीक है नेहा जी, थैंक यू आपके इस क्वेश्चन के लिए। और कोई क्वेश्चन? एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे कि सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या होगा। वेल, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर काम आता है तो। अदरवाइज सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों को उत्साह प्रदान करता है कि हमने कोर्स किया, उनको मोटिवेट करता है कोर्स करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको सर्टिफिकेट से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट के लिए कोर्स मत कीजिए, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोर्स कीजिए। हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि Why did Krishna take Kurukshetra's battlefield to give the knowledge? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये मयूख जी आपका। एक्चुअली देखिए, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को क्यों ही चुना, उसका एक कारण है। कुरुक्षेत्र क्या था? एक रणभूमि थी। रणभूमि कौन सा स्थान होता है जहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं,
करेक्ट, रणभूमि वैसा स्थान है। तो भगवान कृष्ण ने वो स्थान क्यों चुना, क्योंकि भगवान कृष्ण हमें ये सिखाना चाहते हैं कि रणभूमि जैसे एक स्थान में जहाँ पर सब लोग कितने परेशान हैं, कितने टेंस्ड हैं, उस स्थान में भी गीता हमें कुछ सिखा सकती है। फर्स्ट, सेकंड, उस स्थान में भी गीता हमें अंदर से शांति का अनुभव करवा सकती है। थर्ड, गीता इतनी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि उसे युद्ध भूमि पर भी पढ़ना चाहिए। दो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, गीता के लिए हमारे पास में कोई समय नहीं क्योंकि गीता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। लेकिन कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति रणभूमि में खड़ा है, आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, उस सिचुएशन में जिसमें हर सेकंड इतना मैटर करता है, उस सिचुएशन में व्यक्ति को गीता सुनने के लिए या पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। तो गीता के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण ने रणभूमि को चुना, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड है गीता की। सेकेंड, गीता वहाँ पर भी व्यक्ति को शांति प्रदान कर सकती है। तीसरा, वहाँ उस स्थान में भी व्यक्ति को गीता के लिए समय निकालना चाहिए। चौथा, वैसा व्यक्ति जब गीता पढ़ सकता है तो एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ सकता। और पांचवा, ऑफ कोर्स अर्जुन को एक परिस्थिति में गीता सुनाना था, तो परिस्थिति बेस्ट रणभूमि की थी, वो हम कल जानेंगे क्यों, तो आप कल का सेशन अटेंड कीजिएगा। इसलिए कृष्ण ने कुरुक्षेत्र रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया। ओके, हम एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हैं। यस, गीता कैन बी रेड एनी टाइम एनीवेयर, गीता कभी भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है। और आप अभी स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अनाउंसमेंट, कि किसी ने अगर रजिस्टर नहीं किया इस कोर्स के लिए तो आप रजिस्टर कीजिए, लिंक दिया है, कॉल करने के लिए नंबर भी दिया है, रजिस्ट्रेशन खुली हैं, खुली रहेंगी, आप कभी भी कर सकते हो। और अगर आपने कोई सेशन मिस किया है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, क्विजेस भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो आज के क्विज सेशन का क्विज है वो आपको कल तक मिल जाएगा, आपको भेजा जाएगा जिन्होंने भी रजिस्टर किया है। तो रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट है, आप लाइव इस सेशन को अवश्य देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो आपको क्विजेस नहीं मिलेंगे और अंत में आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सेशन मिस नहीं करना चाहते, आप क्विज करना चाहते हो और अंत में सर्टिफिकेट चाहते हो, तो आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए रजिस्टर करने के लिए। और ये कोर्स के लिए आप कभी भी समय निकाल सकते हो, एक रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हो। किसी ने कमेंट में लिखा था थोड़ा सा टफ है, समझ में नहीं आया, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपको 90 मिनट्स में बहुत कुछ दे रहे हैं, टफ लग सकता है, लेकिन आप इसी सेशन को दो बार सुनेंगे या तीन बार सुनेंगे, आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप बार बार इसको सेशन को देखिएगा। और कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं या फिर यहाँ पर समाप्त किया जाए। हम कैसे माने कि गीता एज इट इज़ ही सही है, बाकी बाकी में बदलाव है, आप पढ़ के उसे जान सकते हैं, है ना। हम आपसे कह रहे हैं अगर आप उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, आपको कोई शंका है, तो आप खुद पढ़ के देख लीजिए, आप खुद रिसर्च कर लीजिए, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। या तो दूसरों की बात मान लीजिए या फिर आप खुद एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए। तो गीता की इतनी सारी एडिशंस हैं, आप सब पढ़ के देख सकते हैं कि कौन सा एज इट इज़ है, है ना अनिल जी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, और शुड वी स्टॉप हियर, हम यहाँ पर समाप्त करें। समाप्त करने से पहले दो, अर्जुन को मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिला, ये आपको कैसे पता अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला? अर्जुन को मोक्ष से भी कुछ बहुत ज़्यादा मिला, है ना। तो मोक्ष की परिभाषा क्या है इसको पहले समझना चाहिए। अर्जुन को मोक्ष से भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़कर मिला, जो हम गीता में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एंड में भी कुछ और सूचना देना चाहते हैं कंप्लीट करने से पहले, कि क्विज अगर आपको सही तरीके से अच्छे से करना है तो आपको सेशन देखना ही होगा, अदरवाइज क्विज के क्वेश्चंस आपको बहुत कठिन लगेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे हम केवल क्विज कर देंगे, सेशन अटेंड नहीं करेंगे और फिर अंत में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो क्विज के क्वेश्चंस आप का जवाब नहीं दे पाओगे अगर आप सेशन नहीं करोगे, क्योंकि क्विज सेशन के बेसिस पर ही बनाए गए हैं। तो आप प्लीज़ क्विजेस कीजिएगा और उसके लिए सेशंस देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और हम कल सेम टाइम पर 6:30 बजे, आज बहुत लोग लेट जुड़े थे, कोशिश कीजिएगा कल आप सेम टाइम पर जुड़ो सेशन के लिए, आप इसको अटेंड करो, देखो शुरुआत से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए और फिर आप उसका पूरा लाभ ले सकते हो। हम इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे इस सेशन को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Hare Krishna.